आप ये समझिए कि सेकंड एम्बेसी ही है मुंबई में, दिल्ली में एम्बेसी है, जो है मुंबई में सऊदी काउंसुलेट है, ठीक है। तो वहाँ पे भी वीजा स्टाम्प होता है, यहाँ पे भी वीजा स्टाम्प होता है, वहाँ पे भी सारी आपको जानकारी मिल सकती है, यहाँ पे भी सारी जानकारी आपको मिल सकती है, एम्बेसी के सेम एम्बेसी के एसी, ठीक है। तो वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा वीजा अगर आते हैं। 1500 सालाना बोनस लग रहा है तो अगर 3 साल रुके तो 4500 रियाल बोनस बन जाएगा, अगर 1000 ही रियाल लग रहा है तो भी 3000 रियाल बोनस आपका बनना ही बनना है। तो अगर एक मिनिमम आंकड़ा हम लोग पकड़ के चले 1500 रियाल का, तो 3 साल में 4500 रियाल बोनस आपका बनेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सऊदी टॉप 5 कंपनीज के बारे में। 5 कंपनियां ऐसी सऊदी के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें जाने के बाद आप भी कमा सकते हो लाखों रुपए, क्योंकि उसमें ओवर टाइम काफी हद तक ज्यादा रहती है, सैलरी भी काफी अच्छी रहती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस कंपनियों का डायरेक्ट वीजा नहीं मिलता है। तो कहाँ कहाँ से वीजा मिल सकता है, कौन कौन से ऑफिस ऐसे हो सकते हैं, आपको आगे बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ पे उसका इंटरव्यू सबसे ज्यादा चलता है, ठीक है। अगर ऐसी कंपनी का कोई वीजा निकल रहा है तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो उसमें, और इत्मीनान से जा सकते हो बिना झिझक के, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी को वीजा जल्दी मिलता नहीं है, अगर आता है तो उसमें बहुत जल्दी भीड़ लग जाती है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, बट आपको 5 कंपनी बताने वाला हूँ। कुछ बड़ी कंपनीज भी हैं, कुछ में छोटी कंपनीज भी हैं, बट अच्छी हैं, काम करने के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अगर आप लोग भी नहीं जानते हो, अगर आप लोग भी जाना चाहते हो, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिले। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए फटाफट से करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां हो सकती हैं सऊदी अरब में, जहाँ पे अलग अलग कंपनियों में अलग अलग हिसाब से काम होता है, और कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। तो उसमें सब कंपनियों के बारे में नहीं बता सकता हूँ, बट जो जो कंपनियों के बारे में मैंने खुद समझा हुआ है, देखा हुआ है वहाँ पे, उन कंपनियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली कंपनी और सबसे बड़ी कंपनी है सऊदी में, सऊदी आरामको। सऊदी आरामको का वीजा डायरेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। और नहीं मिलता का मतलब ये है ना कि मिलता ही नहीं है, मिलता है कभी कभार उसका वीजा आता है, और बाकी ये सब सप्लायर कंपनी जो होती है वहाँ की, बहुत सारे आदमी दे देती है आरामको को, उसका थोड़ा अच्छा हो जाता है, वहाँ से आदमी उसको मिल जाते हैं बंदे, और वहीं से उसकी सैलरी भी तो कुछ कम जाती है वहाँ से, वो ये सिस्टम इसका हो जाता है। बाकी डायरेक्ट वीजा भी निकालती है, और इंडिया में भी वीजा बहुत सारी जगह पे आते हैं उसके, ठीक है। वो भी आपको आगे बताना वाला कहाँ कहाँ पे आते हैं, ये सारे कंपनियों के वीजा आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ पे आते हैं, लास्ट में वीडियो के आप लोग जानने वाले हो, ठीक है। तो सऊदी आराम को में जाने के बाद, आप अगर आप हेल्पर में भी जा रहे हो यहाँ से, लेबर में, ठीक है, तो आप ये समझिए बेसिक सैलरी आपकी 1000-1200 हो सकती है, उसके बाद में ओटी उसमें अच्छी खासी लगती है, क्योंकि सैलरी आपकी 1500-1600-1700 तक आराम से कमा सकते हो आप वहाँ पे जाने के बाद, ठीक है। ये सऊदी आराम को सबसे बड़ी कंपनी, एयरपोर्ट का भी काम करती है, और कई सारी तेल कंपनी चलती है आरामको की, ठीक है। वहाँ पे जो रिफाइनरी चलती है वहाँ पे भी काम करवाती है आरामको, बहुत सारी जगह पर वो कंपनियाँ अलग अलग काम वहाँ पे करवाती है सऊदी आरामको। सबसे बड़ी कंपनी, इसमें जाने के बाद आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, और आपको ये भी बताने वाला हूँ लास्ट में कि कंपनियों में आखिर आपको आने के टाइम क्या क्या कितना कितना बोनस तक इसमें मिल सकता है, ठीक है। अब दूसरी कंपनी की बात आती है, दूसरी कंपनी बहुत बड़ी, आप ये समझिए नंबर दो पे कंपनी आती है सऊदी अरब में, सऊदी बिन लादेन। सऊदी बिन लादेन का सिस्टम ऐसा होता है कि अगर एक बार आप पहुंच गए उसमें, एक बार रजिस्टर हो गए, ऐसा होता है कि जल्दी फ्रेशर बंदा बहुत कम लेती है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे बंदे थे, हाल ही में बंद हो गई थी कंपनी वो, और फिर से अभी लाज चालू हुई है, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हुआ है, 1.5 साल या 2 साल हो गए करीब करीब चालू होके उसे, तो फिर से वो बंदे रिक्वायरमेंट कर रही थे, बहुत सारे बंदे यहाँ से इंडिया से भी गए, पाकिस्तान से भी गए, बांग्लादेश से भी गए, बहुत सारे बंदे गए यहाँ से। जब मैं सऊदी में था तभी वो कंपनी चालू हो गई थी, वहाँ से बंदे उड़ाना चालू कर रही थी, तो उसके भी कई बंदे मेरे दोस्त थे जो वहाँ पे काम करते थे वहाँ, और वहाँ पे उनसे बातचीत भी होती थी, और बहुत कुछ बताते थे कंपनी के बारे में, कितनी अच्छी कंपनी है, क्या क्या फैसिलिटीज उसमें मिलती हैं, ठीक है। तो उसमें तो बहुत अच्छी सैलरी, उसमें जाने के बाद भी 1700-1800 रियाल तक आप कमा सकते हो, बेसिक सैलरी कम रहती है उसमें, 1000-1100-1200 रहेगी, बट उसमें आपकी ओटी ओटी लगा के अच्छी सैलरी बैठती है उसमें काम करने में, हेल्पर की बात बता रहा हूँ। अगर आप ड्राइवर में जा रहे हो तो और भी अच्छी सैलरी उसमें बैठेगी, अगर आप किसी अदर वर्क में जा रहे हो तो और भी अच्छी सैलरी बैठेगी। और जो सऊदी बिन लादेन कंपनी है, ये कंस्ट्रक्शन काम ज़्यादातर करती है, सबसे ज़्यादा काम इसमें कंस्ट्रक्शन का होता है, दुबई में भी ब्रांच है इसकी, सऊदी में भी, अलग अलग जगह पे वहाँ पे भी, कुवैत में, कतर में, ओमान में, कहीं अलग अलग जगह पे, ठीक है। इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे काम करती है सऊदी में, तो कई सारी ब्रांचेस में इसके अलग अलग जगह पे, कहीं भी आप चले जाओ, दम्माम में, रियाद में, मक्का में, हर जगह पे आपको मिलेगी बिन लादेन। तो हो गई दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, और बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप ये समय जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इसकी, सऊदी बिन लादेन की। अगर आप में से सऊदी बिन लादेन का कोई भी बंदा अगर वीडियो देख रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसी कंपनी है और क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है इसमें, ताकि जो मेरे दूसरे व्यूवर हैं उन लोगों को भी मालूम पड़े कि हाँ कैसी कंपनी है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं इसमें। तो अगर आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को कुछ उम्मीद होगी जाने के लिए कि अगर मैं जाऊँगा वहाँ पे तो कौन सी अच्छी कंपनी मिलनी चाहिए, कौन सा अच्छा काम मिलना चाहिए, सब कुछ सोच रहे होंगे आप लोग भी, तो आप लोग के सारे सवाल इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो ये 5 कंपनियाँ, अगर इसमें आपका वीजा मिल रहा है तो आप लोग इत्मीनान से जा सकते हो, अदरवाइज आप छानबीन करके जा सकते हो, और वो भी कैसे करना है आपको आगे वो भी बताने वाला हूँ, कैसे आप छानबीन कर सकते हो, कहाँ से ऑफिस पता कर सकते हो, और कौन सा ऑफिस अच्छा हो सकता है, सब कुछ आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 2 कंपनियाँ हो गई,
अब तीसरी कंपनी की बात करें अगर हम लोग, तीसरी कंपनी ACC, अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी। तीसरी कंपनी कंस्ट्रक्शन काम भी करती है, मगर बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप इसमें एक बार पहुंच गए तो इसमें भी बहुत अच्छा काम होता है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, काम भी अच्छा होता है, और लेबर को फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलती हैं इसमें। ठीक है, ये सब कंपनियों में जो है तो सप्लायर कंपनी बहुत सारे बंदे जल्दी दे देती है, इसलिए उन लोग बहुत कम वहाँ से वीजा डायरेक्ट कंपनी के निकलती है, बट वीजा आते रहते हैं, टाइम टू टाइम वीजा वहाँ से आते रहते हैं। अगर यहाँ पे किसी ऑफिस में वीजा आया, अगर आपको मालूम पड़ा कि फला कंपनी का वीजा आया है, अगर आपको लग रहा है तुरंत तत्काल में आप इंटरव्यू जाके दे सकते हो वहाँ पे जाने के लिए। अगर सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो आप डायरेक्ट कंपनी में तत्काल पहुंच जाओगे यहाँ से, फिर आपके बीच में कोई सप्लायर नहीं आएगी ना कोई कंपनी बीच में नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये अच्छा होता है डायरेक्ट कंपनी में जाने में, या डायरेक्ट कंपनी में सप्लायर कंपनी में बहुत फर्क होता है। सप्लायर कंपनी का प्रोसेस कैसा होता है आप लोग को इस वीडियो में बताया हुआ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सप्लायर कंपनी का प्रोसेस क्या होता है, कैसे काम करती है, सब कुछ उसमें बता के रखा हूँ। ठीक है, सप्लायर कंपनी में जाने नुकसान कोई नहीं होता, सप्लायर भी एक कंपनी होती है, बट ये बात यह है कि वो बंदे सप्लायर करती है, और बंदे सप्लायर का मतलब आप ये समझिए कमीशन तो बीच में खाएगी खाएगी। अगर तो आपकी सैलरी 1500 लग रही है तो फिर आपको 1000 ही मिलेगी, 1100 ही मिलेगी, ऐसा होता है सप्लायर कंपनी का काम। ठीक है दोस्तों, तीसरी कंपनी आपको बता दिया हूँ, अब चौथी कंपनी आपको बता रहा हूँ, आरबी हिल्टन। आरबी हिल्टन ऐसी कंपनी है, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आप इसमें एक बार पहुंच गए तो आप ये समझिए आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा ओवर टाइम और बहुत अच्छी फैसिलिटीज निकालती है, और ये कंपनी ज़्यादातर फूड प्रोवाइड भी करती है, जो खाना होता है वो ज़्यादातर कंपनी प्रोवाइड करती है अपने वर्करों को। ठीक है, आपकी सैलरी होगी, सैलरी में 200 रियाल 150 रियाल के हिसाब से कट जाता है, बाकी आपको फूड कंपनी की तरफ से मिलेगा। और कोई कोई कंपनी होती है उसमें खाना बहुत अच्छा रहता है, और कोई कोई कंपनी होती है जो खाना आपको नहीं पसंद आता है, जैसे कुछ अलग अलग देश के बंदे आते हैं बना खाना बनाने के लिए, तो वो उस हिसाब से बनाते हैं खाना, जो उनके देश के बंदे होते हैं उनको पसंद आता है, बाकी आपको नहीं पसंद आता है, तो ये भी हो जाता है। बाकी ऐसा भी होता है कोई कोई कंपनी में बहुत अच्छा खाना होता है, आप बिंदास बिना आपको इतना अच्छा अपने हाथ से बनाया हुआ खाना नहीं लगेगा जितना खाना वो कंपनी का अच्छा लगेगा, ये भी होता है। तो कोई कोई कंपनी जो है खाना प्रोवाइड भी करती है, और आपकी सैलरी से कुछ पैसा काट लेंगे, बाकी आपको खाना मिलेगा, बाकी जो ओटी आपकी लगेगी वो आपकी सैलरी और आपकी ओटी टोटल मिला के आपको हर महीने महीने मिल जाएगी आपको। ठीक है, चौथी कंपनी आपको बता दिया आरबी हिल्टन। और दोस्तों जो पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है यूसीसी। यूसीसी कंपनी है, सऊदी में भी उसकी ब्रांच है, दुबई में भी उसकी ब्रांच है, सऊदी में तो कई सारी कई जगह पे उसकी ब्रांचेस है। दुबई की अगर बात करें दुबई में भी कई सारी ब्रांच है उसकी, बट ये दुबई के बारे में क्लियर जानकारी आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं सऊदी में रहा हूँ, सऊदी में देखा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे जो बंदे मिलते हैं वहाँ पे जो काम करते हैं उस हिसाब से जानकारी मिल जाती है, पर दुबई के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूँ, बट ये जरूर बता सकता हूँ दुबई में कई सारी ब्रांच है उसकी। ये यूसीसी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी कंस्ट्रक्शन का काम सबसे ज्यादा करती है। ठीक है, तो ये भी सबसे ज्यादा काम करती है, और इसमें भी जो बंदा जाता है आप ये समझिए बहुत जबरदस्त सैलरी इसमें लगती है, और अच्छी फैसिलिटीज कंपनी प्रोवाइड करती है। जैसे आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, फर्स्ट टाइम में अगर आपकी सैलरी 1200 लग रही है, तो अगर आप रिटर्नर हो गए तो रिटर्नर आपकी 200-300 सैलरी बढ़ जाएगी, प्लस ओटी लगेगी तो लगेगी लगेगी। ठीक है, बाकी जो अदर बेनिफिट आपको मिलेंगे कंपनी की तरफ से वो तो आपको मिलना ही मिलना है, ये बहुत अच्छा काम होता है। और जो पांचों कंपनियां बताऊँ आपको, ये पांचों कंपनियों में अदर बेनिफिट आपको मिलना मिलना है, जो ओटी आपकी लगी हो तो लगने लगना, रिटर्नर आप हो गए तो सैलरी आपकी धीरे धीरे बढ़ता ही रहना है, ये बहुत जबरदस्त सिस्टम होता है कंपनियों का। अगर आप वहां से आते हो, जैसे आपको बताया था इससे पहले बताने वाला हूँ कि लास्ट में क्या होता है, अगर आप सफर पूरा करके आप आते हो तो सालाना बोनस बनता है, एक सालाना बोनस 1000 रियाल हो सकता है, 1500 रियाल हो सकता है, 2000 रियाल हो सकता है, अगर आप 2 साल रुके हो 4000 रियाल बोनस, 3 साल रुके हो 6000 रियाल बोनस, अगर 1500 सालाना बोनस लग रहा है तो अगर 3 साल रुके हो तो 4500 रियाल बोनस बन जाएगा, अगर 1000 ही रियाल लग रहा है तो भी 3000 रियाल बोनस आपका बनना ही बनना है। तो अगर एक मिनिमम आंकड़ा हम लोग पकड़ के चले 1500 रियाल का, तो 3 साल में 4500 रियाल बोनस आपका बनेगा, जब आप वहां से अगर रिटर्न आ रहे हो 3 साल बाद तो कंपनी की तरफ से 4500 रियाल आपको मिलेगा। 4500 रियाल बहुत होता है दोस्तों, 1 लाख रुपए करीब करीब इंडिया का हो जाएगा यहाँ का, 1 लाख रुपए अगर बंदे को आते टाइम यहाँ से मिल जाए तो उसका बहुत बोझ हल्का हो जाता है आते टाइम, जो पूरे साल काम करेगा वो तो करेगा ही करेगा। 1 लाख का मतलब ये होता है अगर बंदा जो यहाँ से लगा के आता है पैसा, 1,20,000, 1,10,000, 1,30,000, 1 लाख रुपए में भी चले आते बहुत सारे बंदे, तो बोनस में उनका ये पूरा बोझ हल्का होता है कि 1 लाख में लगा के आया था वो मुझे मिल चुका है, बाकी जो मैंने पूरे 3 साल कमाई की वो उससे कोई मतलब नहीं है। रिटर्न गए यहाँ से दोबारा तो सैलरी भी आपकी बढ़ गई, रोटी जो आपकी लगना है लगना ही लगना है, पैसा आपको यहाँ से जाते टाइम कुछ लगना नहीं, कंपनी टिकट विकट सब कुछ आपको देगी वहाँ से, आप बिंदा चले और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि इन कंपनियों के वीजा कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा आते हैं, तो दोस्तों देखिए सबसे पहली बात है जो दिल्ली में एम्बेसी, सऊदी एम्बेसी जो है दिल्ली में, ठीक है, तो एम्बेसी यहाँ पे तो सबसे ज्यादा दिल्ली में बहुत सारे ऑफिस है जहाँ पे वीजा आते हैं, और वो ऑफिस कहाँ से मिलेंगे कैसे मिलेंगे आपको बताता हूँ अभी आगे। और दूसरी बात है जो सऊदी कौंसुलेट है वो मुंबई में, आप ये समझिए कि सेकेंड एम्बेसी ही है मुंबई में, दिल्ली में एम्बेसी है जो है मुंबई में, सऊदी कौंसुलेट है,
ठीक है, तो वहां पे भी वीजा स्टाम्प होता है, यहाँ पे भी वीजा स्टाम्प होता है, वहां पे भी सारी आपको जानकारी मिल सकती है, यहाँ पे भी सारी जानकारी आपको मिल सकती है एम्बेसी के, सेम एम्बेसी के एसी। ठीक है, तो वहां पे भी सबसे ज्यादा वीजा आते हैं ये कंपनियों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के। तो जो इंटरव्यू होते हैं दिल्ली में भी होते हैं और मुंबई में भी होते हैं। अब इसके ऑफिस कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, तो अगर आप लोग नहीं जानते हो कि ऑफिस कहाँ कहाँ से मिलेंगे, कौन से अच्छे ऑफिस, मतलब बड़े बड़े ऑफिस कहाँ पे मिलेंगे, कैसे इनका वीजा मिलेगा, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे भी ऊपर लिंक मिल जाएगी इसकी, आप लोग जाके इसमें चेकआउट कर सकते हो। ये पूरा पीडीएफ दे के रखा है मैंने, 1225 ऑफिस है और सबसे ज्यादा दिल्ली मुंबई में, मुंबई के ऑफिस है इसमें, और अलग अलग सिटीज के ऑफिस हैं इसमें, बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटी है, बेंगलोर है, कोलकाता है, अलग अलग सिटी के इसमें ऑफिस दिए गए, और सब मेन पावर ऑफिस लिस्टेड ऑफिस इसमें। ठीक है, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस होते हैं वो सारे ऑफिस है इसमें। तो आप लोग जाके पीडीएफ एक बार खोल के चेक कर लीजिएगा इसमें, और कहाँ कहाँ पे कौन से ऑफिस, आपको सारे ऑफिस मिल जाएंगे। और जो बड़ी बड़ी कंपनियों के वीजा आते हैं वो भी इन ऑफिसों में ही आते हैं, इंटरव्यू भी वहीं पे होते हैं, सिलेक्शन भी वहीं पे होता है, सारा प्रोसेस आपका वहीं से होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात ये थी। उम्मीद करता हूँ कंपनीज आपको पसंद आई होगी और जानकारी भी अच्छी लगी हुई। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।